अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 48 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 49, मतलब 49। इस वीडियो के अंदर हम आपको उर्दू लिखने के बारे में आपको समझाएँगे, आप और लिखने की भी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को हम बिना देरी किए हुए हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में हम आपसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये क्या है? ऐन है, ये नून है, ये ऐन नून अलीफ या ता, ऐन ज़र ई नून अलीबर ना या तस्बर यत इनायत, ऐन ज़र ई नून अलीबर ना या तस्बर यत इनायत। इनायत ये हिज्जा हो गया, मतलब स्पेलिंग हो गया। इसको हम लिखेंगे कैसे, मतलब मिला करके। सबसे पहले ये देखें, ऐन नून के अंदर मिल जाएगा, नून अलीफ़ के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अलीफ या के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि अलीफ से पहले कोई वर्ड हो अलीफ़ के अंदर मिल सकता है, लेकिन अलीफ के बाद वाले वर्ड के अंदर अलीफ नहीं मिलता है। इसको हम मिलाते हैं, ऐन नून अलीफ, या ऐन नून अलीफ, और ये या ता इसके अंदर मिल जाएगा, या ता के अंदर मिल जाएगा। देखें किस तरीके से मिल गया, ऐन नून के अंदर, नून अलीफ़ के अंदर, या ता के अंदर, ऐन ज़र ई नून अलीज़र ना या तस्बर यत इनायत। ये वर्ड समझिए, हम यहाँ पे डेज मार देते हैं, फिर हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। यहाँ पे देखें, ये बा है, ये लाम है, ये नून है, ये दाल, और ये या। बापिश बू, लाम नून जर लन बुलंद, दाल या ज़र दी बुलंदी। इस बुलंदी को हम मिलाएंगे किस तरीके से, ये भी हम समझ लेते हैं। बा देखें, बा लाम के अंदर मिल जाएगा, लाम नून के अंदर मिल जाएगा, नून दाल के अंदर मिल जाएगा, लेकिन दाल या के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि या अलग आएगा लिखा हुआ। इसको हम मिलाते हैं, बा फिर यहाँ से लाम, ये नून, और यहाँ से दाल, और ये या अलग। बा में एक नुक्ता, नून में एक नुक्ता, ये दाल ये लाम, थोड़ा लाम को और लंबा कर देते हैं। बा पेशबू लाम नून जलन बुलंद दाल या ज़र दी बुलंदी। ये भी वर्ड समझिए, हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अब रहा यहाँ पे रा, ये देखें, ये रा, ये या के अंदर दो नुक्ता, लेकिन यहाँ भी या है, यहाँ पे हम नुक्ता नहीं दिए, यहाँ पे नुक्ता दिए, यहाँ पे नुक्ता नहीं दिए। क्यों? यहाँ पे देखें डेस मार रखे हैं, क्योंकि बुलंदी के बाद कोई भी वर्ड इसके अंदर नहीं मिल रहा है, मतलब इसको हम अलग कर दिए, बुलंदी को हम अलग कर दिए हैं। जब कोई या आखिर में आ रहा है तो उस पर नुक्ता देने की कोई वजह बनता ही नहीं, क्योंकि वो जो या होता है वो अपना शक्ल ले लेता है पूरा, लेकिन वही या अगर बीच में या शुरू में इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे नुक्ता देना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना शक्ल वहाँ पे नहीं लेगा, उसका शक्ल जो होता है या का शक्ल उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अभी यहाँ देखें, रा या शीन अलीफ, ये मीम, रा या ज़र रे शीन मीम ज़र शम रे शम। इसको मिलाएंगे किस तरीके से, रा या के अंदर नहीं मिलेगा तो रा को हम अलग कर देते हैं, या शीन के अंदर मिलेगा, शीन मीम के अंदर मिलेगा, क्योंकि या का भी आधा शक्ल होता है, शीन का भी आधा शक्ल होता है, तो ये एक दूसरे के अंदर मिलने के बाद मीम के अंदर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा लंबा कम करना है, और यहाँ से शीन के लिए तीन शोशा, और यहाँ से मीम, ये क्या हो गया, रेशम, राय जर रे शीन मीम जर शम रेशम। ये भी वर्ड समझिए, हम चलते हैं इस वर्ड की तरफ। ये बा है, ये बा, ये दो चश्मी हा, हा भी दो शक्ल का, हा भी दो तरह का आता है। अभी यहाँ पे दो चश्मी हा है, इसका काम कोई और होता है, और जो दूसरा वाला हा जो होता है गोल वाला, उसका काम कोई और है। बा दो चश्मी हा दाल, और ये या, ये दाल है। रा जो होता है थोड़ा रा सीधा करके इधर इस तरीके से नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दाल देखें थोड़ा टेढ़ा है, तो दाल का शक्ल इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे देखें, यह रा थोड़ा ऊपर से सीधा करके इधर खींच गया है, लेकिन यहाँ ऊपर से ही लेकर नीचा तक टेढ़ा है, तो दाल का शक्ल इस तरीके से होता है। बा दुचश्मी हा दाल या, बा में हा लगा भा, दाल या भर दे भद्दे, भद्दे के ऊपर यहाँ पे तशदीद आएगा, लेकिन उर्दू के अंदर तशदीद नहीं लिखा जाता, लेकिन उनको बोलना है इस तरीके से भद्दे। इसको मिलाएंगे किस तरीके से, देखिए, बा में हा लगा भा, भा भी बा और हा मिल जाएगा, और हा भी दाल के अंदर मिल जाएगा, वो किस तरीके से, ये देखें यहाँ से बा, और ये या अलग, ये देखें, बा दो चश्मी हा दाल, बा में हा लगा भा, तो भा को हमको दाल में मिला दिए, और ये या को अलग कर दिया, क्योंकि या दाल के अंदर नहीं मिलेगा, तो क्या हो गया, भद्दे। अब हम इस वर्ड की तरफ चलते हैं।
ये देखें, ये बा, ये या, ये टा, ये हा, मतलब ये चश्मी हा, ये वाव। बाय अजबर, बाई टा में हा लगा ठा, अब ठा को हमको वाव मिलाना है, ठा वापस ठो, बाई ठो। अब यहाँ पे देखें या बीच में आया, ये शक्ल अपना या लेके नहीं आएगा, इसका शक्ल अलग हो जाएगा, एक या इस तरीके से होता है, सिर्फ उसका मतलब कोई लकीर दे करके वहाँ पे दो नुक्ता दे देने से भी वो या हो जाता है। तो इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, देखें बा का आधा शक्ल या के अंदर, या का आधा शक्ल टा के अंदर, टा का आधा शक्ल दुचश्मी हा के अंदर, हा जब टा के अंदर मिल गया तो ये टा भी वाव के अंदर मिल जाएगा। इसको हम मिलाते हैं, ये बा के लिए, फिर यहाँ से ये या के लिए, बा या का शक्ल हो गया, शोशा जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक बा का शोशा, यहाँ से लेके यहाँ तक या का शोशा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया ये यहाँ पर टा दे देना है, ये जो टा है यहाँ, फिर यहाँ से दुचश्मी हा को मिला देना है और ये वाव अलग कर देना है। तो ये क्या हो गया, बैठो, थोड़ा उसको मोटा कर देते हैं, बैठो। बायाज बार बई टा महा लगा ठा, ठा वापस ठो, बैठो। ये भी लफ समझे, हम चलते हैं इस वर्ड की तरफ, यहाँ पर डेस मार देते हैं, ये आयन, ये जा, ये ता, आयन जाजर जत इज़्ज़त। अभी आप देखें इज़्ज़त जो वर्ड होता है थोड़ा ज़बान पे जो मतलब सख्तपन मतलब आवाज़ निकलता है इज़्ज़त, इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, आयन जा के अंदर जा ता के अंदर नहीं मिलेगा, तो हमको आयन और जा को हम अलग कर देते हैं। आयन और ज़ा अलग हो गया और ये यहाँ से ता अलग हो गया, ये क्या हो गया इज़्ज़त। ये भी समझे, हम चलते हैं इस वर्ड की तरफ। अब यहाँ पे देखें जीम ता नून या, क्या हो गया जीम ता नून या, जीम ताज़िर जित, नून याज़िर नी जितनी, जितनी को मिलाएंगे किस तरीके से, जीम ता के अंदर मिलेगा, ता नून के अंदर मिलेगा, नून या के अंदर मिलेगा, तो यहाँ पे सारा वर्ड एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा। तो इसका हम शक्ल बनाते हैं, सबसे पहले ये जीम, यहाँ से ता, फिर यहाँ से नून और ये या, ये जीम यहाँ से लेके यहाँ तक ता के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक नून के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक नून या के लिए, ये क्या हो गया जितनी। ये वर्ड समझे, हम ये वर्ड पे आते हैं। अब ये देखें, इसको बोलता है गाफ, ये नून, ये ता, ये या, गिनती। ये भी आप याद रखें, या जब बीच में आएगा तो हम नुक्ता देंगे, अगर लास्ट में आएगा तो नुक्ता हम नहीं देंगे। तो गाफ नून ज़िर गिन ताया ज़िर ती, गाफ नून ज़िर गिन ताया ज़िर ती, गिनती, काउंटिंग जो करते हैं गिनती। तो ये इस तरीके से इसको मिलाएंगे किस तरीके से, यहाँ पे देखें सारा वर्ड एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि सबका आधा आधा शक्ल होता है। इसको हम मिलाते हैं, ये यहाँ से गाफ, यहाँ से नून, फिर यहाँ से या, यहाँ से लेके यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक गाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक नून, यहाँ से लेके यहाँ तक ता, यहाँ से फिर ये या हो गया। ये क्या हो गया गिनती, गिनती को बोलता है काउंटिंग, जो गिनते हैं गिनती इस तरीके से। ये जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और वीडियो के अंदर कुछ गलती होता ही होती होगी, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कर दिया करें। अगर कुछ सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर करें कमेंट, मैं उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश में करूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करता भी हूँ, और ज़्यादातर मैं सवालों को मैं छोड़ता नहीं, सबका जवाब मैं देता हूँ। आप लोगों से एक दरख्वास्त है, एक गुजारिश है कि अगर आप लोग ये अपने YouTube चैनल को कुछ आर्थिक मदद देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का मैं वीडियो बना के नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास लैपटॉप कोई कैमरा नहीं है। अगर आप लोग देना चाहें तो आप दे सकते हैं कुछ आर्थिक मदद अपने YouTube चैनल को, ताकि ये चैनल बड़ा हो और मैं कुछ अच्छी क्वालिटी का मैं वीडियो बनाकर आपको दे सकूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रखा हूँ, उसके अंदर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, उसके अंदर आप जा करके अपना कुछ डोनेट कर सकते हैं, ताकि अपने YouTube चैनल को कुछ बड़ा कर सकें, मैं वीडियो के अंदर क्वालिटी हम दे सकें, क्योंकि थंबनेल जो होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनती है, और जो वीडियो होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाती है। तो
तो ये मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ। अगर आप लोग कुछ डोनेट करना चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप डोनेट करें, ताकि मैं अच्छी क्वालिटी आप तक पहुँचा सकूँ। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल घंटी को दबा करके ऑल कर दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़।